हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है और कौन सी कार से सीख रहे हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शशांक है, मेरा फोर्थ डे है। ओके, कौन सी कार से सीख रहे हैं आप? मैं सेंट्रो से सीख रहा हूं। हुंडई की सेंट्रो। ओके, तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि अर्ली मॉर्निंग कार जब हम सीखते हैं तो हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी जो न्यू बिगनर्स करते हैं। सीधा जाना एकदम स्ट्रेट, अपना हल्का लेफ्ट ही रखना ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियाँ आपको डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि रोड को पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है ना, डाइवर्जन कर दिया गया, तो सारी गाड़ियाँ इसी पे आएंगी, तो इसलिए राइट में आप थोड़ा स्पेस ज़्यादा छोड़िएगा। तो आज दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि जो न्यू बिगनर्स होते हैं जो कार सीखते वक्त बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, वो क्यों करते हैं। तो मोस्टली आपके मन में भी आ रहा होगा, हमारे मन में भी आता है कि भाई सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है तो रोड खाली है, अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं। पर दोस्तों जब रोड खाली होता है ना तभी एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ को कभी भी माइंड में मत रखिएगा कि रोड खाली है तो हम गाड़ी भगा लें या लेफ्ट रखें या राइट रखें। नहीं, जहाँ पे खाली एरिया होता वहीं पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सडन अचानक लोग निकल के आते हैं और स्पीड में आते हैं। ट्रैफिक में तो आप गाड़ी को भगा नहीं सकते हो भाई, अगर भीड़ में चल रहे हो तो आप फर्स्ट सेकंड गियर में ही गाड़ी चला सकते हो, और अगर खुला हुआ रोड है तो विगनर भी होते हैं, वो भी स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, फिर उनसे गाड़ी संभलती नहीं और गाड़ी उनकी टकरा जाती है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, कभी भी रफ ड्राइविंग नहीं करनी। न्यू विगनर्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है ना वो फर्स्ट और सेकंड गियर में, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी वो फर्स्ट और सेकंड गियर है, क्योंकि फर्स्ट गियर में आपको लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, लुकिंग ग्लास का, आपके बोनेट का जजमेंट, फ्लैग रॉड का जजमेंट, बैक साइड, आपको चीजों को करने के लिए समय मिलेगा और आप अलर्ट रहोगे। फास्ट में क्या होता है कि मोस्टली ज़्यादातर हम स्टेयरिंग ही को संभालते रह जाते हैं, हमारी नज़र इतनी पैनी नहीं है, इतने हम प्रो नहीं है कि हम हर चीज़ को टाइमली कर लें, मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप अगर विगनर हैं और मॉर्निंग में, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई मॉर्निंग का टाइम मुझे चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में खाली होता है, तो दोस्तों मॉर्निंग में खाली तो होता है लेकिन मॉर्निंग में कुछ सीखने को नहीं मिलता है। शशांक जी बताइए, ट्रैफिक में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा या खाली रोड पे? ट्रैफिक में आएगा। ट्रैफिक में है ना, ट्रैफिक में क्या है ना, हमें बहुत सारी चीजों को फेस करना होता है। मेरी जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर सिंगल रोड पे होती है, क्योंकि सिंगल रोड पे सामने से आने वाली गाड़ियों से हमें बचना है, लेफ्ट से जाने वाले लोगों को बचाना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारी छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो हमें सीखने को मिलती हैं, हमें एकदम स्ट्रेट जाना। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट से कट आ रहा है, अब यहाँ पे एक बार आपको लॉन्ग हॉर्न पुश करना कंटिन्यू 2 से 3 सेकंड तक, लॉन्ग हॉर्न, ताकि अगर लेफ्ट और राइट से, क्योंकि सामने का तो बस लेफ्ट और साइड का हमें दिख नहीं रहा था लेफ्ट साइड से, क्योंकि जो लेफ्ट से आएगा वो सोचेगा कि खाली है चलो निकल चलो, लेकिन होता है क्या एक्चुअल में कि पीछे से गाड़ी आ रही और वो टकरा जाता है। तो इसलिए हॉर्न लॉन्ग ऐसे बजाते हैं, ये वन टाइम, आपने जो 2-3 बार करके बजाए ना वो नहीं बजाना था, अभी स्पीड मेंटेन कर लीजिए थोड़ा सा। और अपने राइट वाले और लेफ्ट वाले ORBM को हर 2-2 सेकंड में आपको देखना है ब्रदर, उससे क्या होगा ना, फ्रंट का तो चलो आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन जो बैक साइड है, बैक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड की जो प्रोफाइल है वो आपको नजर आनी चाहिए। हल्का राइट रखो, राइट थोड़ा सा, बस लेफ्ट आओ। मैंने राइट क्यों बोला था रखने के लिए, क्योंकि लेफ्ट में मलबा पड़ा हुआ था, तो ज़्यादा लेफ्ट, हमेशा अपने लेफ्ट में थोड़ा सा मार्जिन लेके चलो, कि अगर राइट से कोई बंदा आपको दबा रहा है, कोई भी गाड़ी वाला दबा रहा है, तो लेफ्ट में इतना स्पेस हो कि आप अपनी गाड़ी टच होने ना दें। अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करिए, आगे मुंशी पुलिया चौराहे से हमें लेफ्ट चलना है, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करिए क्योंकि सारी गाड़ियाँ इसी रोड पर हैं। हाँ हाँ, बस हल्का अपना लेफ्ट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो धीरे धीरे। हाँ गुड गुड, बढ़ाते रहो धीरे धीरे, स्पीड बढ़ाते रहो। हाँ अब आगे से हमें लेफ्ट चलना है, तो राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आ जाना चाहिए 100 मीटर पहले। ब्रेक लेना नहीं है, ऐसे इमरजेंसी के लिए कि जरूरत पड़ने पे आप क्लच दबा के ब्रेक लगा सको। ज्यादातर नए विगनर क्या करते हैं, ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा देते हैं, तो जब आपका ब्रेक पे पैर होगा 1% नहीं क्लच दबा पाओगे तो ब्रेक तो दबा ही लोगे। हल्का राइट दबा के लेफ्ट चलना है मेन रोड से। हाँ अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करते रहना। हाँ बस धीरे धीरे धीरे, अब लेफ्ट टर्न करो, पूरी घुमाओ। हाँ गुड, वेरी गुड, बस अभी सीधी करो, अपने लेफ्ट ही रखो, लेफ्ट ही, राइट नहीं, राइट नहीं, क्योंकि राइट से जो भी ओवरटेक करेगा वो राइट साइड से करेगा। जाओ धीरे 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 धीरे, स्पीड मेंटेन करो। हाँ धीरे 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 धीरे, हल्का लेफ्ट आ जाओ,
गुड। अब जिस कंडीशन में आप चल रहे हो ना, जिस एरिया में, तो इधर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट में आपने अपनी गाड़ी दबा रखी, राइट में आपने करीब करीब 10 से 12 फीट का मार्जिन छोड़ रखा है, तो जो भी निकलेगा वो राइट से आपके निकलता जाएगा। अब देखो राइट से आपकी गाड़ियां जा रही है, एक्सवी जा रही, वैगनार जा रही, किसी ने आपको हॉर्न देके डिस्टर्ब किया नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना स्पेस छोड़ रखा है। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी आपकी लहरानी नहीं चाहिए। अब मैंने हजार्ड स्विच बंद कर दिया है, उससे ये पता चलता था कि आने जाने वाले लोग अलर्ट रहते थे। इस इंडिकेटर के कई रीजन है, आपकी गाड़ी भी खराब हो सकती है, आप गाड़ी सीख रहे हो या गाड़ी में प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप स्लो चलना चाहते हो, तो इस इंडिकेटर को ऑन करने के लिए कई सारे, और पीछे वाला क्या समझता वो डिपेंड करता है, जो ड्राइवर है वो किस एंगल से उसको देख पा रहा है। ज़्यादा राइट नहीं जाना है, वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करना है, जो राइट में वाइट लाइन है आपके उसको क्रॉस नहीं करना है, अभी हमें एकदम स्ट्रेट जाना है। बट यहाँ पे राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया हो, हाँ, दबाना नहीं है, ऐसे इमरजेंसी के लिए, क्योंकि राइट और लेफ्ट से कभी भी कोई भी आ सकता है। देखो ये देखो, कर दिया ना कांड, हो गया ना, मैंने क्या कहा था, देखा बच्चे अचानक। अब इसको पहले गियर में करो, क्योंकि यहाँ से मैंने पूरा फुल क्लच दबाया, आपने सिर्फ ओनली ब्रेक दबाया, क्लच मैंने दबाया, लेफ्ट दबा के चलो, चलो पीछे गाड़ी है आपके, चलो ब्रेक छोड़ो, लेफ्ट दबा दो, सीधा चलो भाई, पीछे गाड़ी थी, चलो बढ़ाओ, जाओ जाओ जाओ, ब्रेक छोड़ो। अब देखो गलती कर रहे हो, आपने क्या छोड़ा पहले, क्लच, और भाई क्लच छोड़ा था, ब्रेक नहीं छोड़ा था, ब्रेक तो बाद में जब मैंने कहा ब्रेक छोड़ो तब ब्रेक छोड़ा है, अभी इंजन यहाँ बुझ जाता, क्योंकि जब हम ब्रेक दबा के रखे और क्लच छोड़ रहे हैं तो गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी, ब्रेक ने गाड़ी के टायरों को जाम कर रखा है, तो इंजन बुझ जाएगा। स्लोपिंग वाले एरिया में पहले हमें 20-30% क्लच को रिलीज करके गाड़ी को गियर में एक्टिव करना होता, फिर ब्रेक को रिलीज करते हैं, बट ये तो प्लेन रोड है, अभी हल्का सा लेफ्ट आओ, हाँ, अब पूरा फुल क्लच दबाओ, दबाओ फुल क्लच, अब हल्का देखो एक्सीलेटर से पैर ब्रेक पे लाओ, अब हल्का सा ब्रेक लगाओ, ब्रेक लो, ये करना था आपको वहां पे, इस तरीके से क्लच दबा के ब्रेक लेना था, बट सडन लेना था, बट आपने क्या करा, आपके सामने अचानक बच्चा आ गया तो आपने ब्रेक लगा दिया, बट क्लच टाइम पे नहीं दब पाया, क्लच में नहीं दबाया, गाड़ी तो रुक गई, ब्रेक लगाना हमेशा क्लच दबा के, अगर आप फर्स्ट या सेकंड गियर या बैक गियर, तीन गियर हमेशा याद रखना, फर्स्ट गियर होता है गाड़ी को मूव करने के लिए, पावर के लिए, सेकंड गियर थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करने के लिए होता है, जो रिवर्स गियर है वो भी पावर के लिए होता है, तो आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर रिवर्स गियर में बिना क्लच के आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं, इंजन बुझ जाएगा, गाड़ी रुकेगी झटके से रुकेगी तो इंजन बुझ जाएगा। अभी ब्रेक को फ्री करो, हल्का सा एक्सेलेटर के साथ क्लच को रिलीज करो, हल्का सा एक्सेलेटर के साथ, इंजन बुझना नहीं चाहिए, हाँ बचाओ धीरे धीरे, हाँ छोड़ो धीरे 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 धीरे, हाँ अपना लेफ्ट आ जाओ, चलने दो धीरे धीरे, अब एक्सेलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, लेफ्ट लाके गियर सेकंड डालो, लेफ्ट लाके, हाँ खींचो पीछे, वेरी गुड, छोड़ो। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई आपसे, छोड़ो क्लच, मैं हमेशा हर वीडियो में और प्रैक्टिकल भी बताता हूँ कि जब हम गियर चेंज करते तो हमारा राइट वाला हैंड जो है वो 12 o'clock पे होना चाहिए, वॉच टाइम, जो वॉच में जहाँ पे 12 लिखा होता है तो ये समझ लो वॉच है, तो इसमें 12 कहाँ लिखा, ये तो इससे क्या होगा, अभी जैसे अब जब गियर खींच रहे थे आप सेकंड गियर, तो धीरे धीरे गाड़ी आपकी 2-2.5 feet राइट चली गई, गई क्यों गई, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड से गियर खींच रहे थे तो राइट हैंड भी आपका मूवमेंट में आ गया, ना चाह के भी स्टीयरिंग लहरा जाता है, अभी चलो एक्सेलेटर लो, ना चाह के भी स्टीयरिंग लहरा जाता है, तो उसका बहुत ही सिंपल है कि राइट वाला हाथ आपका 12 o'clock पे होना चाहिए, ताकि जब आप लेफ्ट हैंड से गियर खींच रहे हो तो राइट वाला मोमेंट में भी आए, तो स्टीयरिंग लहराए ना। अभी हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट, तो लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ नहीं हुआ है, और राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया हो, इतना पहले आपको ब्रेक पे पैर ले आना है, 50 meter 100 meter पहले, क्योंकि आप ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, ब्रेक पे पैर लिया होगे ताकि ऑटोमेटिकली आपकी धीरे धीरे गाड़ी वहां पे स्लो हो जाएगी। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है, टर्न करो बस, इससे ज्यादा नहीं, वेट 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 वेट, अभी सीधी मत करो भाई, अभी सीधी मत करो, अब सीधी करो, हाँ जाओ जाने दो, हल्का राइट रखो, हल्का सा, हाँ चलते रहो धीरे धीरे, हाँ। अब देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न आ रहा है, आ रहा है, अब हमें क्या करना, अपना लेफ्ट ही सटा के राइट टर्न करना है, इसको हॉर्न दो, राइट दबाओ थोड़ा, राइट 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 राइट, बस और लेफ्ट आओ, अब वापस लेफ्ट ही टर्न करते करते राइट जाना, अब राइट टर्न करो बस, ज्यादा नहीं, आराम आराम से, जैसे रोड मुड़ रहा है उसी तरीके से, हॉर्न दीजिए, हॉर्न हल्का राइट दबाओ, राइट, हाँ वापस लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 और लेफ्ट आओ, स्टीयरिंग को जितना डियर लाइट पकड़ोगे ना उतना अच्छे से ये रोटेट हो पाएगा, जैसे हम पेन को पकड़ते हैं उस तरीके से स्टीयरिंग को पकड़ना है। अब देखो गाड़ी आपकी लेफ्ट साइड में ही है,
तो आने जाने वाले लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप इसको चलाओगे बीच में या ज्यादा राइट दबा के चलाओगे तो आने जाने वाले लोग डिस्टर्ब होंगे। कुछ लोग लेफ्ट से निकालेंगे, कुछ लोग राइट से निकालेंगे। जो लोग समझदार हैं वो राइट से निकालेंगे आपको हॉर्न दे के, पासिंग डिपर दे के। और जो लोग कहीं से भी निकालना पसंद करते हैं वो बिना हॉर्न दिए लेफ्ट में देखा उन्होंने स्पेस है लेफ्ट साइड से गाड़ी वो निकाल के ले गए, आपको हॉर्न भी नहीं देंगे और सडन निकाल लेंगे। ऐसे में क्या होगा, सामने से आपके अगर कोई गाड़ी आ रही होगी बड़ी गाड़ी, जैसे सामने देखो स्कॉर्पियो आ रही है और आप चल रहे होते हल्का राइट दबा के, तो आप यहाँ पे क्या करते, बिना देखे लेफ्ट दबा देते क्योंकि आपकी साइड लेफ्ट है। और उतने में अगर लेफ्ट से कोई व्यक्ति निकल रहा होता ना तो वो टकरा जाता है। ठीक है, अभी यहाँ से हमें चलना है राइट धीरे धीरे। हाँ धीरे धीरे राइट रखो, राइट राइट, हाँ राइट सिग्नल दो जिधर होंडा एमेज गई है। हाँ बट गाड़ी अपनी साइड में ही रखना, ज़्यादा राइट मत जाओ। हाँ एक लाइन पकड़ के हमें चलना है, हल्का राइट रखो। हाँ जाने दो जाने दो, गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अब अपनी लाइन में आ जाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।